हेलो गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हो यार। सो जिया एंड रूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो जिया होती है वो एक बार फिर से रूही को कर लेती है जी किस, एंड रूही को कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो जिया उसे कन्विंस कर देती है कि ये सिर्फ उसका वहम है और कुछ भी नहीं है। उसने जस्ट मतलब उसको सिर्फ वहम ही हुआ है ना कि जिया ने उसे किस किया, तो ये बात मान भी जाती है कि हो सकता है ना मुझे वहम ही हुआ हो। तो जैसे बोल करके वो जो कैमरे की शॉप पे ले जाते हैं एंड उसके बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। तो जिया की जो नीति से बात होती है उसके बाद है ना वो सोने के लिए चली जाती है, लेकिन जिया को कहाँ नींद आने वाली होती है ना कि आज तो क्या दिन था ना यार, तो किस क्या किस थी यार, कुछ भी रूही जान मैं तुम्हें पूरे हाथ से किस कर सकती हूँ यार। मतलब ऐसे सोच के बहुत एक्साइटेड हो रही होती है वहाँ पर, रूही की तो हालत ही खराब हो रही थी ना। मतलब वो बेड पे ले रही थी, उसे पसीने आ रहे थे कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ, ये कैसी फीलिंग्स आ रही है, और जिया के लिए मैं कैसे ऐसे सोच सकती हूँ यार, जिया मेरी दोस्त है उसके लिए ना, और मैं कैसे उसकी तरफ इतनी अट्रैक्टिव हो रही हूँ, और ये किस कहाँ कहाँ से ध्यान आ गया, ये क्या हो रहा है यार मेरे साथ। मतलब वो बहुत परेशान होती है, खुश होती है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वो खुद नहीं समझ पा रही होती ना कि उसके साथ क्या हो रहा होता है। तो जो उसके रूम की लाइट जल रही होती है तो रूही की मम्मी आती है जो उसके रूम में, उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो कहती है नहीं मम्मी कुछ नहीं, बस ऐसे पता नहीं कि नींद नहीं आ गया, बेचैनी सी होती है ना। तो उसकी मम्मी कहती है क्या हो गया बेटा, कहीं प्यार वैर तो नहीं हो गया, कहती नहीं मम्मी यार प्यार क्या भैया कैसी बात करते हो ना, ऐसे कुछ भी नहीं है, और आपको भी गलत फहमी हो गई है, प्यार व्यार कुछ नहीं है, मैं बस पता नहीं बेचैनी से हो गई है मुझे। तो उसकी मम्मी कहती है हाँ ठीक है, हो जाता है कई बार ऐसा, हम हो जाते हैं बेचैन, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, चलो तुम अब लाइट बंद करो और सोने की कोशिश करो, क्योंकि जब तुम सो जाओगे तो तुम्हें सबको सुकून मिलेगा ना। तो ये ऐसे बोल करके लाइट बंद कर देती है एंड उसके बाद रूही उठ जाती है, मतलब सुबह हो जाती है तो रूही उठ जाती है एंड वो अपने हाथ मुँह धोने के लिए जाती है वॉशरूम में, एंड वॉशरूम में हाथ मुँह धो रही होती है ना कि उसे ऐसा लगता है कि उसके पीछे जिया है, तो पीछे पलटी है जिया, लेकिन जिया तो आती नहीं है। तो क्या हो गया यार, ये मुझे हर वक्त जिया 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 क्या हो रहा है यार मेरे साथ, ये जिया क्यों हो गई यहाँ पे, जिया नहीं होगी यहाँ पे, क्या रूही तुम भी ना। तो जी वहाँ पर जी अभी भी हल्कू जैसी हुई होती ना कि उसे तो बस जल्दी 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 टाइम होना, मुझे जाना है, रूही को देखना है, रूही से मिलना है, तो एक्साइटेड हो रही होती है। और आज तो जल्दी उठ के 9 बजे तो रेडी हो जाती है, तो उसके पापा कहते हैं कि बेटा क्या हुआ आज तुम इतनी जल्दी रेडी हो गई, तो कहती पापा आपको तो पता है ना कल हमने कैमरे लिए थे, तो मुझे वो कैमरे सारी जगह सेट करवाने ना, हर एक कैबिन में हर एक जगह पर, क्योंकि फ्यूचर में ऐसी गलती ना हो ना। तो उसके पापा बहुत खुश रहते, कहते वाह बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू ना, तुम इतना सोच रही हो, तो कहते हाँ हाँ पापा। ऊपर उसके मन में तो यही होते हैं कि यार अगर कैमरे लग जाएंगे तो मैं जब चाहूँ कैमरा ऑन करके रूही को देख सकती हूँ, वाह। तो जैसे बोल करके वो कहती पापा मैं जाऊँ क्या ऑफिस, तो उसके पापा बोलते हैं हाँ हाँ बिल्कुल तुम जाओ, और तुम कैमरे वाले को वहीं बुला लो ताकि तुम्हारे पोस्टिव हो भी आ जाए। तो जिया कहते हैं कि पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ना, मैं उसे वहीं बुला लेती हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जिया से बोल करके जिया चली जाती है ऑफिस एंड वहाँ पर सारी चीज़ कैमरे सेट करवा देते हैं ना, इतने 10 बज जाते हैं, बाकी लोग भी आने लग जाते हैं, तो देखते हैं कि जिया ऑलरेडी ऑफिस में ही है, तो सब जिया गुड मॉर्निंग करके जा ही रहे होते हैं। तो रूही जो होती है वो अपनी एक कलीग के साथ आ रही होती है ना, तो वो तो जिया को गुड मॉर्निंग करती है, मगर रूही तो जिया को देखती रह जाती है ना कि बस देखती रह जाती है। तो जिया उसकी साइड देखती है और कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, तो वो रूही को रिप्लाई नहीं देती, जिया कहती है गुड मॉर्निंग मैम कैसे हैं आप, कहाँ ध्यान है आपका। तो रूही को पूछा था कहती हाँ क्या हो क्या हो क्या हो, तो जिया कहती तुम बताओ क्या हुआ, कहाँ ध्यान है तुम्हारा, तो कहती नहीं नहीं मेरा ध्यान तो कहीं नहीं, तुम जल्दी कहाँ से आ गई आज, जिया कहती यार ऑफिस है मैं जल्दी आ गई, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे तो ऑफिस है ना यार, तो फिर कहती हाँ हाँ तुम्हारा ऑफिस है ना तुम जल्दी आ गई। तो जो साथ में एक गली होती है ना उसके, तो वो थोड़ा हंस रही होती है, तो ये कहती है कि आई थिंक सो कि तुम भी ऑफिस में आ चुके हो तो तुम्हें काम करना चाहिए ना। तो
वो मतलब है ना वो लड़कियाँ चिल्लाती थी कि इसमें मिस सॉरी, तो ऐसे सोई खुल के जा रही होती है, तो रोई कहती है कि मैं भी चलती हूँ ना, तो उसे कहती है तुम रुको तुमसे कुछ काम है इम्पोर्टेंट, कहती नहीं मुझे कोई काम नहीं है ना चलो चलो, तो ऐसे बोल करके निकल जाती है। कहती कि अब इसे क्या हुआ यार, मुझे तो सच में इससे काम था, पर वो सोचती कि यार जो कल दोपहर हुआ ना कहीं इसका असर तो नहीं हो गया उसके ऊपर, तो ऐसे बोल करके ना वो मुस्कुरा रही होती है। तो वहाँ से कैमरे बना दे कि मैम ये कैमरे कहाँ पर लगाने, तो कहती हाँ मैं तुम्हें बताती हूँ, तो जी एक कैमरा वो रोई के राइट में, एक लेफ्ट में, एक ऊपर और एक सामने साइड लगा देती है ना ताकि उसे रोई दिखे एकदम बढ़िया तरीके से, वो कुछ हिसाब से लाई होती है, बाकी कैमरे भी लगवा देती हैं, जितने भी कैबिन्स होते हैं उन सब में कैमरे लगवा देती हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल वगैरह सब कुछ। तो जिस सारे कैमरे लगाने के बाद वो अपने कैबिन में चल जाती है, और जो बाकी उसका काम पेंडिंग पड़ा होता है वो पेंडिंग काम कम्प्लीट करने में लग रही होती है ना, उसके पापा आते हैं और बोलते हैं कि बेटा क्या तुम्हारा काम हो गया, तो ये कहते हैं कि ये स्टैंड बस हो ही चुका है ना कंप्लीट, बस 2 मिनट के बाद है इसे सेव करने का बस रह गया। तो उसके पापा बोलते हैं कि जी हाँ तुम्हें एक छोटा सा काम और करना पड़ेगा ना, तो बोलते हैं कि पापा अब क्या काम है बताओ, तो बोलते हैं कि यार हमारे स्टाफ में ना एक की मतलब काम करती है ना कि उसकी शादी है, तो आज तुम्हें वहाँ जाना है। तो ये कहते हैं कि पापा प्लीज़ यार आपको पता तो है कि मुझे शादियों में जाना नहीं पसंद है, फिर भी आप भेज रहे हो, तो बोलते बेटा जाना पड़ेगा और ये फॉर्मेलिटीज़ हैं ये कंप्लीट करनी ही पड़ती है, तुम वहाँ जाना मिलना आना बस ठीक है, ज़्यादा मत रुकना ना, लेकिन एटलीस्ट जाओ तो सही। तो ये कहते हैं कि ओके बाबा ठीक है चली जाऊँगी, तो उसके बाद बोलते हैं ठीक है तुम देख लेना क्योंकि रो भी जाएगी तो तुम या तो साथ चले जाना या फिर जैसे तुम्हारा मन करे। तो वो जी कहते हाँ हाँ ठीक है मैं चल जाऊँगी देख लूँगी मुझे जैसे भी चलना होगा, तो जी ऐसे बोल देती है, लेकिन वो सोचती है कि यार हुई भी अब तो शादी में जाना ज़रूर बनता है तो जाना ही चाहिए। तो जी वहाँ पर जो हुई होती है उसके साथ जो भी कलीग्स वगैरह होते हैं ना पहले भी क्योंकि जिया से पहले भी तो सबसे बात करती थी, तो जी वो सब लोग मतलब डिस्कस कर रहे थे ना कि यहाँ जैसे ऐसे जाएंगे ऐसे होंगे, तो वही कहती है हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही जाएंगे क्योंकि उसके दिमाग में नहीं होता ना कि जिया उस शादी में आएगी। तो रूही जो होती है कहती है कि ठीक है मैं वॉशरूम में आती हूँ, तो जी रूही जो होती है वो वॉशरूम गई होती है, जिया के अंदर मस्ती करते हैं कि वॉशरूम गया तो तुरंत बाहर आकर के जो वॉशरूम में चली जाती है, तो वहाँ पर जिया जो वो रूही जो होती है ना वो मुँह धो रही होती है, तो देखती है कि जिया, तो फिर ऐसे देखते ना बस लगते हैं फिर मेरा भाई वो फिर मुँह धोने लग जाती है, इतने में जो जिया है ना उसका ना फ़ोन बजने लग जाता है, तो जी वहाँ से बाहर आके फ़ोन अटेंड कर लेती है, रूही देखती है कि नहीं है फिर मुझे क्या हो गया जिया ही जिया क्यों नज़र आ रही है यार, तो वैसे सोच रही होती है कि कहती यार मेरा वहम होगा ना, तो वो बाहर जाती है तो जिया जो होती है वहाँ पर फ़ोन पे बात कर रही होती है ना, तो फिर देख के शौक की जिया कहाँ से आ गई यहाँ पे, फिर वो अपनी आँखों पर ना ऐसे मसलती है, तो जिया जो होती है वो वहाँ पर जो बालकनी होती है ना मतलब टेन नेटवर्क की तो वही इशू होता है, तो बालकनी में चल जाती है, रूही जब आँख खोल देखती ये फिर नहीं है मुझे क्या हो गया यार, सुबह भी वो दोपहर में भी वो अपने केबिन में होगी ओह शिट, तो ऐसे बोल करके ना अपने डेस्क पे बैठ जाती है। तो जिया ना वहाँ की सहर आती है और देखती है कि रूही जो है वो चली गई है, तो कहती है शिट ये फ़ोन को भी अभी बचना था पता नहीं, तो ऐसे बोल करके ना जो जा रही होती है देखती है कि रूही वहीं पर अपने डेस्क पर काम कर रही है ना, कहती कितनी क्यूट है यार ये सो क्यूट आई लव यू यार, ऐसे बोल कर उसकी तरफ जा ही रही होती है एंड रूही देख रही है कि यार जी हाँ मेरे से कह रही सोचती कि अभी भी मेरा वहम है, वो ना उसको इग्नोर करके काम करने लग जाती है, तो यह सोचती है कि इग्नोर क्यों कर रही है, मगर जी है ना सोचती कि यार चल ठीक है ना कल वाली बात से सिर्फ थोड़ा ज़्यादा ही बोला मैं सिर्फ थोड़ा अकेला छोड़ देती हूँ टाइम देती हूँ, ऐसे बोल ऐसे सोच करके वो अपने केबिन में चली जाती है। उसके 2 मिनट बाद रूही फिर देती है जिया मतलब जिया फिर नहीं नज़र आती, कहती यार ये क्या हो गया मेरे साथ यार जिया जिया क्यों नज़र आ रही है, रूही तो काम पे ध्यान दे तेरा ध्यान बिल्कुल नहीं है और तू ये गलत चीज़ें मैं सोचा कर सिर वो अपने आप को थोड़ा ना ऐसे गली होती है, तो उसके 7 बजे कहती तुझे क्या हुआ तो पागल वाले आकर देखी बोली है, तो रूही कहती कि नहीं नहीं यार कुछ नहीं कुछ नहीं बस ऐसे यार थोड़ा मतलब ना मूड खराब मूड है यार दिमाग खराब हो रहा है ना यार, तो लेकिन क्या हुआ
कि यार मेरी एक दोस्त है यार, उसके साथ मतलब मेरी प्रॉब्लम हो रही है यार। उसकी प्रॉब्लम सुन के मेरा दिमाग खराब हो रहा है यार। अजीब ही प्रॉब्लम है, मेरे तो खुद के समझ में नहीं आ रही। तो बोलते कि तू मुझे बता यार, क्या पता मैं तुझे सोल्यूशन बता दूँ। कहती यार मेरे दोस्त को ना मतलब एक इंसान हर वक्त दिखाई दे रहा है। कहते तो हर वक्त दिखाई दे रहा है तो कोई बुरा तो नहीं ना यार, वो सामने है तभी दिखाई दे रहा है। तो रोहित कहते पागल यही तो बात है ना कि वो सामने है ही नहीं तभी उसे दिखाई दे रहा है। तो बोलते कि यार तो उसका दिमाग ख़राब हो गया। कहते यार दिमाग खराब हो गया, वो सीरियस बात है। कहते नहीं नहीं उसे तो प्यार हो गया है तभी तो। तो रोहित कहते पागल है यार, कैसे हो सकता है। तो उसकी फ्रेंड बोलती मतलब साथ में कि क्यों नहीं हो सकता, उसके दिल में दिल मतलब उसके अंदर दिल नहीं है, फीलिंग्स नहीं है उसके अंदर, उसे क्यों नहीं हो सकता। तो कहती यार मतलब कैसे हो सकता है यार, मतलब किसी को दिखाई देने से ही प्यार है। तो कहती यही तो प्यार है, जब ना हो तो मैं भी किसी की कमी गले और वो दिखाई दे, इसी को तो प्यार कहते हैं मेरी जान। तो कहती यार समझ नहीं आ रहा ना, मैं उसे यही बताऊँ। तो कहते हाँ तुम उसे यही बता दे, उसकी बीमारी का सोल्यूशन यही है कि वो जिस मेम्बर को सोच रही है ना उसके साथ जाके थोड़ा टाइम स्पेंड करे। तो वो भी सोचती है कि यार ये उल्टा हुआ मुझे फंसा रही है ना, अभी मुझे सिर्फ सपने आ रहे कहीं हकीकत में उसके साथ कुछ करना लूँ, ऐसे सोच करके बस माँ उसे कहती है हाँ ठीक है मैं उसे बोल दूँगी, और अपने अपने दोनों काम में लग जाते हैं। इतने पूरा दिन ऐसे ही निकाल देते हैं एक दूसरे से, बिना मिले या बिना एक दूसरे को देखे। तो जी शाम को इवनिंग में रूही रेडी हो रही होती है जी शादी में जाने के लिए। तो जी वो पहनती है एक रेड कलर की साड़ी, वाइट कलर की रेड कलर की साड़ी डाल करके वो अपने बाकी के जो भी उसके ऑफिस के स्टाफ होते हैं उनके साथ उस मैरिज में चल जाती है, वहाँ पर इंजॉय कर रही होती है। तो जिया जी जो होती हैं वो नॉर्मली मतलब उसे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो तो बस रूही को देखने के लिए आई हुई होती है। तो नॉर्मल से मतलब वो जैकेट, वो जिया जो है वो जैकेट में जींस वगैरह में आती है। एंड नॉर्मली जो मेम्बर जिसकी मैरिज होती है उससे कॉन्ग्रेचुलेशन करती है, गिफ्ट एंड बुके दे करके फोटो क्लिक करके जा ही रही होती है कि उसकी नज़र पड़ती है जी रूही पे। कहती है ये कौन सी अप्सरा उतर के आ गई है अब, मतलब उसे देखती है तो देखती है देखती है वाह कितनी खूबसूरत लग रही है यार ये, एकदम जैसे कहीं की परी हो। और उसकी ना मतलब पाँच साल में तो उसे निहारी होती है। तो जो रूही होती है उसकी नज़र पड़ जाती है जिया पे। तो कहती है अब मुझे फिर दिखाई देने लग गई, हाँ तो गई है ना। तो ऐसे बोल करके जी अंदर की साइड चली जाती है ना। तो जिया देखती है कि अंदर जा रही है तो उसके पीछे पीछे चली जाती है, और उसके पीछे जाकर ना खड़ी जाती है, मतलब एक रूम से में चली जाती है ना रूही। एम जी उसके पीछे जा खड़ी जाती है। तो रूही उसको ना देखती है कि मैं फिर मैम है, तो उसे ना मतलब कोलर से पकड़ती है तुम्हारा दिमाग खराब है, मेरा पीछा करना छोड़ दो ना यार, जहाँ देखो वहाँ तुम ही तुम नजर आ रही हो, क्या हो गया है मुझे दिमाग को, अपने आप को ना दिमाग महसूस करती है। कहती मैं पागल हो गई लगता है, मुझे अभी भी तुम दिखाई दे रही हो, मुझे दोपहर को भी तुम दिखाई दे रही थी, मुझे शाम को भी तुम दिखाई दे रही, थोड़ी देर पहले बाहर दिखाई दे रही थी, अब अंदर दिखाई दे रही हो। हे भगवान क्या हो रहा है मेरे साथ ये, और अभी भी तुम हो, तुम जाओ ना, तुम जाती क्यों नहीं हो, जाओ जाओ जाओ। तो ऐसे ना बोलती होती है। तो जिया जो है वो उसे कर लेती है जी कोई बार लेट किस दीवार के सारे ला के उसे किस पे किस की जा रही होती है ना। तो इस बार रूही कहती है कि क्या हुआ है मेरे साथ। एंड जो इस बार जिया होती है वो उसकी कमर में हाथ डाल के मतलब कंप्लीट पूरी टच कर रही होती है उसकी, वैसे किस कर रही होता है, उसके बाद उसे छोड़ देती है। तो रूही है ना मतलब शौक ये सच है, तो मतलब ऐसे सच सोच रही होती है। तो देखते हैं कि जिया सामने है और ये क्या हुआ, लेकिन इस बार रूही सोचती है कि ये मेरा वहम है ना, और ये मैं वहम में क्या कर रही हूँ। तो जिया को पकड़ती है और दिखा के सारे ला कर उसे किस कर रही होती है। तो मतलब जिया की तो हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि रूही जो ना बहुत मतलब ना बता नहीं सकते ना डीपली किस कर रही होती है ना, मतलब उसके पे किस करके उसके हाथों को पकड़ना, फिर हाथों कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब इस तरीके से कर रही होती है ना। लेकिन फिर उसको एहसास होता है कि यार ये तो हकीकत में मैं किस तरीके से,
तो वो पीछे हो जाती है, कहती है जिया तुम आगे रख लो यहाँ पे। तो जिया कहती है मैं आगे रख लूँ और तुम्हें पता है तुम मेरे साथ क्या कर रही थी। तो वो कहती यार शिट तुमने ऐसा नहीं करना चाहती थी यार, प्लीज़ आई एम रियली सॉरी, ये क्या हो गया यार, मैं सॉरी 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 रियली सॉरी। तो जिया जो दिया रिलैक्स ओके कोई बात नहीं, जो भी हुआ कोई बात नहीं ना, इट्स ओके। तुम ये बता तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तो ये ना मतलब थोड़ा परेशान होकर के ना उसे हक कर लेती है, मतलब बहुत टाइट हक कर लेती है। हाँ थैंक यू तुमने मुझे समझा, मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है, इतनी कैसी फीलिंग्स हो रही है, क्या हो रहा है यार मेरे साथ ये। तो कह रही थी कि मुझे ठीक से बताओ ना क्या हुआ। तो उसे सब कुछ बताते हैं कि ऐसे हुआ, मुझे आके तो मन में लड्डू घुट रहे थे ना कि अरे जान कितनी परेशान हो रही है मेरे साथ बता दो यार। तो बताने ही वाले दिन नीचे सोचती कि नहीं वेट वेट वेट, अभी अगर सच बताया तो पंखा बढ़ जाएगा, रुक के बताना चाहिए। तो जय कहती है कोई बात नहीं यार, हो जाते हैं कई बार हम एक्साइटेड हो जाते हैं। तो कहते कि यार ऐसी एक्साइटमेंट है, एक्साइटमेंट तो लगी नहीं। तो जय कहते कि अच्छा एक्साइटमेंट नहीं लगी, कोई बात नहीं, ऐसे मुझे तो पसंद नहीं ना तुम्हारी चीज, बहुत अच्छे तरीके से करती हूँ, एक बार फिर कर दो ना। तो कहती पापा जो तुम कैसी बात कर रही हो। तो जय कहती करोगी नहीं करोगी। तो कहती नहीं मैं नहीं करूँगी। तो जय कहती करो। तो कहती नहीं जय कहती करूँ, कहती नहीं करूँ नहीं करूँ नहीं। तो ऐसे मना कर देते हैं रोहित। तो जय कहती ठीक है तुम नहीं करोगी ना, ओके मत करो। वैसे भी मेरे दोस्त वगैरह किसी से किस ले लूँ, मुझे क्या दिक्कत है, तुमने मुझे आदत तो दिलवाई थी। अब तुम वो कहते ना कि भूखे को खाना मिल गया ऐसी वाली सिचुएशन कर देना, मुझे किस तो चाहिए, तुम नहीं लोगों तो मैं किसी और से ले लूँगी यार प्लीज़। तो मुझे जब ये सुनते ना किसी और से ले लूँगी, शट अप तुम्हारी हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए किसी और के साथ कुछ भी करो। तो ये कहते क्यों क्यों ना करो, तुम देखो तुम भी तो नहीं देंगे ना मुझे, तो मैं किसी से भी ले लूँगी, मैं क्या करूँ, मुझे तलब मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मुझे चाहिए बस चाहिए। नीचे भी सुनते हैं तो उसके लिप्स वैसे किस कर देती हैं, जो सुबह होते हैं ना उस पर उसका सर रखवा देती है और उसके ऊपर आकर के उसे किस पर किस किया जा रही होती है। तो जिया की जो हालत ही खराब हो रही होती है, वो कहती है मतलब माना वो बिल्कुल इंजॉय कर रही होती है, दोनों से किस कर रही होती है। तो फिर पीछे जाती है, अब तुम कहीं नहीं जाओगे ना, कहीं नहीं जाओगे तुम, यही होगी वही तुम्हारी समझ में। तो ये कहती है मैं यही रहूँगी यार, कहीं नहीं जाऊँगी, कौन सा नशा कर रही हो तुम मुझ पर। गहरी गहरी सांस ले रही थी ना, कहती है वो भी कहती है क्या हुआ तुम ठीक हो ना। तो मुझे कहती ठीक हूँ मैं यार, ठीक हूँ, पता नहीं क्या हो गया। तो भी कहती है मैं पानी लेके आती हूँ ना तुम्हारे लिए। तो ये कहती पानी की नहीं मुझे सांस की ज़रूरत है। तो मुझे कहती सांस की ज़रूरत है, हाँ तुम एक और उठा दो। तो मुझे कहती है कि रुको यार कुछ नहीं, पर फिर दो ना तुम प्लीज, हो सकता है सांसें आ जाए। तो मुझे कहती है कि पागल है तुम, दिमाग खराब, तुम्हारा मजाक कर रही मेरे साथ। तो मुझे उसके थोड़ा सा मारती है, उसको साइड कर देती है। तो मुझे यह खड़ी होती कहती है उफ मेरे को तो लगा था ये शादी बोरिंग होगी, तुमने तो मेरे लिए एक्साइटमेंट बना दी यार, एक्साइटेड हो गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा, शादी में कितना मजा आएगा, चलो डांस करने चलते हैं ना। तो तुम कहते हैं तुम्हें डांस करना है, तुम मेरी हालत तो समझो। तो ये कहती तुम्हारी क्या हालत समझो, तुम्हारा मन करे तो मैं कर लेना, मैंने मना करे तुम कर लेना कर लेना, चलो अब यहाँ से। तो जी वो दोनों चले जाते हैं, जी डांस वाली चीज़ें हैं जिया जो थी वो डांस कर लेते हैं, लेकिन रूही को डांस करना नहीं आता ना। तो कहती मुझे नहीं आता छोड़ना, लेकिन जिया उसे ज़बरदस्ती थोड़े से करवा लेते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि रूही उनके कपड़े वगैरह उठ करती है, चलो ठीक है तुम जाओ। तो वो रूही को भेजते थे खुद डांस करने लग जाती है, तो काफ़ी अच्छा डांस कर लेते हैं, तो वहाँ पर लोग उसकी वीडियो भी बना लेते हैं। तो ये रूही को पसंद नहीं आता, वो कहती है कि जिया एक मिनट साइड हुआ। तो कहती है हाँ बताओ, कहती चलो। तो शो से ले जाती है, कहती है कि कैसे होता नहीं डांस करनी, तुम्हें दिखता नहीं है लोग तुम्हारी वीडियो बना रहे हैं यार, बस तुम डांस ही कर गया बात करो। तो जिया कहती है क्यों ना करूँ डांस, तो कुछ नहीं करने दो ना। तो रूही कहती नहीं करूँगी, कहती करूँगी नहीं करूँगी ना यार, करूँगी नहीं करूँगी। अच्छा तो तुम ठीक है फिर देखते दो, मैं नहीं करूँगी। तो रूही कहती है कि पागल हो तुम,
यार क्या किस तरीके का बिहेवियर है, छोड़ो मेरे को बात ही नहीं करनी, मैं जा रही हूँ बस यहाँ से। तो ऐसे बोल करके ये जा रही होती है, तो जिया उसका हाथ पकड़ती कहती है अब रात को कहाँ जाऊँगी अकेले। तो रूही कहती है कि मैं कहीं भी जाऊँ मैं जाऊँगी। तो जिया कहती है अच्छा ठीक है मैं जाती नहीं रहती, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देती हूँ बस ठीक है। लेकिन रूही मानती नहीं रहती, नहीं नहीं जाऊँगी अकेले ही चली जाऊँगी। तो ऐसे बोल करके बाहर चली जाती है, और रूही जो जिया होती है उसके पीछे बैठती है, बहुत जल्द चलती होती है ना उसके पीछे पीछे। मगर वही देखती है कि यार ये तो जा ही नहीं, तो थकार करके जब वापस जाती है गाड़ी के साइड और वहाँ पे गेट खोल के बैठ जाती है। तो यह कहती जमाना था तो इतने नाटक करती थी। तो वही बोलती है कि क्या करूँ, ज़बरदस्ती गाड़ी पीछे लेके आओगी तो यही करना पड़ेगा ना। तो ये कहती है आप क्या करें, कुछ कर नहीं सकते ना, ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास, चलो फिर चलते हैं दोनों। तो जैसे बोल करके फास्ट गाड़ी चला दी होती है। तो वही कहती है यार प्लीज ना धीरे ना धीरे धीरे धीरे। तो जिया कहती है कि नो फास्ट फ्यूरियस। तो रूही कहती है बस तुम मना मुझे भगवान के पास मत पहुँचाना ना प्लीज़, मैंने अभी तो जिंदगी में जिया प्लीज़ 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 धीरे। तो जिया कहती है चलो ठीक है तुम्हारी बात मान ली, धीरे कर लेती है वो गाड़ी। एंड रूही उसके घर छोड़ के अपने घर चले जाती है, वो बहुत खुश होती है। तो वहाँ पर देखती है उसके पापा काम कर रहे होते हैं, तो उसे चुपचाप ना अपने कमरे में चली जाती है। और कमरे में जाती है ना, मतलब कहती है वाह भगवान जी क्या बात है ना यार, तुसी तो सुपर हो। तो ऐसे बोल रहे थे ना एक्साइटमेंट हो गए होते हैं, मतलब चिल्ला रहे थे। तो उसके जो वहाँ के लोग होते हैं सब मम्मी पापा दोनों सब लोग आ जाते उसके कमरे में, और देखते हैं कि मतलब खुशी से हमारे चिल्ला रही है। तो सबसे बहुत हैपन जी हाँ ये किस तरीके का बिहेवियर है, उसकी मम्मी बोलती है। तो उसके पापा बोलते हैं कि हाँ जी हाँ क्या हुआ। तो बोलते हैं कि कुछ नहीं पापा ऐसे ही, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हुआ। सो गाइस देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होता है, जो जिया ने मतलब गेम खेला है क्या वो पास हो जाती है, मतलब गेम में जीत जाती है, या फिर वही पीछे हट जाती है। बाकी जो होगा देखेंगे तो हम नेक्स्ट एपिसोड में। प्लीज़ यार अगर वीडियो को लाइक नहीं करो तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर लेना यार ताकि पता तो चले कि अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। अच्छा ठीक है कमेंट मत करना, थम्सअप तो कर सकते हो ना यार, वही कर देना यार। ओके बाय गाइस लव यू ऑल।